अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऐसा कर दिखाया कि उसमें यहाँ यह कंसेप्ट ही नहीं था। हमीरपुर जिला के मुंडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 2014 में वर्चुअल क्लासरूम बनाया गया तो जिला ऊना के लोहरा स्कूल को 2010 में ही ऑनलाइन कर दिया। ऐसा करने वाले हमीरपुर जिला के बायोलॉजी प्रवक्ता नवीन गौतम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से 2-2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऐसा कर दिखाया कि उस समय यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमीरपुर जिला के मुंडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 2014 में वर्चुअल क्लासरूम बनाया तो जिला ऊना के लोहारा स्कूल को 2010 में ही ऑनलाइन कर दिया। ऐसा करने वाले हमीरपुर जिला के बायोलॉजी प्रवक्ता नवीन गौतम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से 2-2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसा सम्मान पाने वाले नवीन गौतम किसी सरकारी स्कूल के पहले अध्यापक बन गए हैं। गत 6 जून को नई दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए नवीन गौतम को नई दिल्ली में 2 गोल्ड मेडल के साथ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिए गए हैं। गांव पंदेड़ के निवासी नवीन गौतम आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरेड़ी में बायोलॉजी प्रवक्ता के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। नवीन गौतम का कहना है कि जब सरकारी स्कूल में कहीं पर भी प्रदेश में वेबसाइट नहीं होती थी तो उस समय हाईटेक तरीके से स्कूल में वेबसाइट तैयार की जो आज तक काम कर रही है। और दूसरा सम्मान 2014 में वर्चुअल क्लासेस शुरू करने के लिए दिया गया है। नवीन गौतम ने 2 नेशनल अवार्ड मिलने पर सारा श्रेय स्कूलों के बच्चों को दिया और कहा कि बच्चों के बिना ये दोनों अवार्ड मिलना नामुमकिन सा था। सर ये जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 2 नेशनल रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया है। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो मिला 2010 में, जब हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में वेबसाइट का कंसेप्ट नहीं होता था। इवन उस टाइम किसी भी कॉलेज की वेबसाइट नहीं थी, तो उस टाइम मैंने अपने खर्चे पे उसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारा जिला ऊना को ऑनलाइन किया था। उसमें ई लाइब्रेरी और बहुत सारे ई कंटेंट्स डाले थे। तो उसको अब लगभग 10 सालों के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसमें दर्ज किया है। जी जो दूसरा नेशनल रिकॉर्ड बना सर वो है रिलेटेड जो हमने फर्स्ट टाइम 2014 में वर्चुअल क्लासेस शुरू की, वो प्रदेश की पहली क्लासेस थी और वो एक नई राह मॉडर्न एजुकेशन में थी और इसको स्टेट गवर्नमेंट ने और विभाग ने भी रिकॉग्नाइज किया था। और इसके बेस पे फिर आगे चल के फर्स्ट नेशनल आईसीटी अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मैं लाने में कामयाब हुआ था। तो इन दोनों रिकॉर्ड्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने फर्स्ट टाइम इसमें अपने में शामिल किया हुआ है। इसमें सर दौर तो काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन थे, कड़ी मेहनत भी थी, पर इसका मैं सारा श्रेय जो देना चाहूँगा तो उन मासूम बच्चों को दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस दौरान मेरे साथ इस जर्नी में रहे, क्योंकि उनके लिए मैंने सेल्फलेसली काम किया था। तो मैं ये अवार्ड पूरे उन बच्चों को डेडिकेट करना चाहूँगा। गौतम का कहना है कि अगला लक्ष्य सरकारी स्कूलों के बच्चों के विकास के लिए काम करने के साथ साथ बेहतर शिक्षा मुहैया करवाना रहेगा। सर ये अभी 6 जून को मिला नई दिल्ली में, वहाँ इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने मेरे को वहाँ पे सम्मानित किया एक समारोह में। सर अब मेरा जो वो रहेगा कि जो आईसीटी तो काफ़ी हम करते आए हैं, अब थोड़ा सा जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें जो मेमोरी और ब्रेन डेवलपमेंट को आईसीटी से जोड़ के और थोड़ा सा उनमें कुछ नई पहल और नया कदम शुरू करना चाहूँगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने भी हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंगें दी हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और नतीजे आपके सामने जल्दी ही होंगे। गौरतलब है कि प्रवक्ता नवीन गौतम पिछले 10 सालों से आईसीटी के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं और नवीन गौतम की एक छात्रा ने ब्रिटेन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में पूरे विश्व में 3रा स्थान हासिल किया था तो एक अन्य छात्रा ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी है।